नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम, जहां आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय और उससे जुड़ी निवेश संभावनाओं के बारे में। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय का बहुत महत्व है। ये लोगों की आजीविका का साधन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे लोगों को आय के बेहतर जरिए मिल सकेंगे और इससे हम दुग्ध व्यवसाय में नए कीर्तिमान भी जरूर स्थापित कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि जो हमारे किसान हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए सिर्फ खेती पर ही हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे जुड़े अलग अलग सेक्टर पे काम किया जा सकता है। और डेयरी विकास एक बहुत ही अहम सेक्टर है। डेयरी विकास के जरिए जो लोग त्रस्त हैं सिंथेटिक दूध की वजह से, उनको अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा और जब दूध की प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से होगी तो उससे जुड़े जो अलग अलग उत्पाद हैं वो भी बेहतर कीमतों पे उपलब्ध हो पाएंगे। आइए देखते हैं इस क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और निवेश की संभावनाएं। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय का बहुत महत्व है और ये लोगों की आजीविका का अहम साधन है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम कर रही है, जिससे न सिर्फ लोगों को आय का बेहतर जरिया मिल सके बल्कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित हो सके। पूरे विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और आपको जानकारी ये भी होगी कि प्रत्येक दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ लीटर दुग्ध का उत्पादन होता है और अपने उपभोग के बाद जो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो लगभग 50%, लगभग 3.5-4 करोड़ के आसपास लाख लीटर, 3.5-4 करोड़ लीटर प्रतिदिन हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस है, जो दूध प्रसंस्करण के लिए आता है। और इस प्रसंस्करण के लिए जो हमारी संगठित क्षेत्र है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, जिसमें फेडरेशंस भी है, वो लगभग इसका 12% प्रसंस्करण करता है। और अगर ये भारत का औसत देखा जाए संगठित क्षेत्र का दूध प्रसंस्करण का, तो वो 17% है। और अगर यूपी का ये प्रतिशत संगठित क्षेत्र के दूध प्रसंस्करण का 12% से हम अगर 20% तक भी ले जाते हैं अगले 5 साल में, तो लगभग 6,000 करोड़ निवेश होने की संभावना उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश सरकार का मानना है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए केवल खेती ही जरिया नहीं है, बल्कि इसके लिए अलग अलग सेक्टर का सहारा लिया जा सकता है। डेयरी विकास इसमें सबसे अहम है। डेयरी विकास के जरिए सिंथेटिक दूध की समस्या से त्रस्त आम जनता को जहां शुद्ध दूध उपलब्ध होता है, वहीं दुग्ध प्रसंस्करण के गुणवत्तापरक उत्पाद भी उचित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। प्रदेश की 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसकी जीविका का मुख्य आधार खेती और पशुपालन है। वही वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 33% है, जो देश के सकल घरेलू जीडीपी का लगभग 9% है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी PCDF के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। प्रदेश सरकार की दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए PCDF के सुदृढ़ीकरण की कवायद के फलस्वरूप आज सूबे में 26,387 टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, जो देश के दुग्ध उत्पादन का लगभग 18% है। पूरे विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और आपको जानकारी ये भी होगी कि प्रत्येक दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ लीटर दुग्ध का उत्पादन होता है और अपने उपभोग के बाद जो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो लगभग 50%, लगभग 3.5-4 करोड़ के आसपास लाख लीटर, 3.5-4 करोड़ लीटर प्रतिदिन हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस है, जो दूध प्रसंस्करण के लिए आता है। और इस प्रसंस्करण के लिए जो हमारी संगठित क्षेत्र है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, जिसमें फेडरेशंस भी है, वो लगभग इसका 12% प्रसंस्करण करता है। और अगर ये भारत का औसत देखा जाए संगठित क्षेत्र का दूध प्रसंस्करण का, तो वो 17% है। और अगर यूपी का ये प्रतिशत संगठित क्षेत्र के दूध प्रसंस्करण का 12% से हम
अगर 20% तक भी ले जाते हैं अगले 5 साल में तो लगभग 6,000 करोड़ निवेश होने की संभावना उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 335 ग्राम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24.5 मिलियन से अधिक गाय और भैंस है। इनमें भैंस की संख्या के मामले में तो प्रदेश पूरे देश में सबसे अव्वल है। दूध से जुड़े कारोबार में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सेदारी देखें तो यहां देश के पशुधन का 12%, संगठित रूप से काम करने वाली डेयरी सहकारी समिति DCS 15%, DCS से जुड़े किसान 7% और इनमें महिलाओं की सहभागिता 6% है। वर्तमान में प्रदेश के 97,941 ग्रामों में से 11,500 गांवों में दुग्ध समितियां या दुग्ध समूह वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा 520 बल्क मिल्क कूलर BMC यूनिट स्थापित हो चुकी हैं, जो दूध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इनके जरिए विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में एकत्र किए गए दूध की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखना संभव हो सका है। फेडरेशन जो हमारी है, जो सहकारी दुग्ध संघ है, उनके माध्यम से जो उपार्जन कर रहे हैं या प्रसंस्करण है, वो मार्केटेबल सरप्लस का मात्र 1% है। और यही अगर गुजरात में देखा जाए तो लगभग उसका प्रतिशत है 15-20% उसका प्रतिशत है जो फेडरेशन है वहाँ पर। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियाँ विकसित करने की ना सिर्फ सहकारी समितियाँ बल्कि जो FPOs है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीधे दुग्ध उत्पादक अपनी कंपनी बनाते हैं, ऐसी संस्थाओं का विकास करने में भी बहुत अत्यधिक क्षमता है। दुग्ध कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समितियों के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दुग्ध उपलब्ध कराने वाले दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। खास बात है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों के तहत वर्ष 2016-17 से गोकुल पुरस्कार की धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2016-17 के प्रदेश स्तरीय प्रथम पुरस्कार विजेता को 1.5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 1 लाख तथा जनपद स्तर के विजेताओं को 51,000 रुपए की नकद धनराशि प्रदान की गई। इसके साथ ही वर्ष 2017-18 में चयनित प्रथम विजेता को 2 लाख, द्वितीय विजेता को 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाले देशी गाय पालकों को नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए की धनराशि विजेता को प्रदान की जाएगी, जिसके लिए वर्ष 2018-19 के बजट में प्रस्ताव भी शामिल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती और पशुपालन है। वर्तमान में अगर किसी क्षेत्र में हम बात करें तो पशुपालन का योगदान 33% है, जो देश की घरेलू GDP का 9% है। इन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी के साथ एपिसोड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको देंगे और भी ज्यादा अहम जानकारियां। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम।